हाँ तो भाई लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मारुति ने हमेशा से ऑटोमोबाइल सेक्टर में धाक जमा के रखी हुई है, क्योंकि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं बट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस वो जरूर प्रोवाइड करता है। एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए वो सारी गाड़ियां प्रोवाइड करता है जो उनकी नीड्स को फुलफिल करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी गाड़ियां जिन्होंने बहुत अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है अप्रैल 2021 में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं हूं व्लॉग विद जैक, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो भाई लोग, मारुति को रखते हैं साइड में और बात कर लेते हैं ह्युंडई की। बेसिकली इस बार की जो सबसे अच्छी न्यूज है वो ये है कि ह्युंडई की 3 गाड़ियां बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में आती हैं, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग की लिस्ट में आती हैं, जो पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ह्युंडई की गाड़ियों के पास है पावर, अच्छे खासे लुक, अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स, बट फिर इतने टाइम से क्यों नहीं थी, बट इस बार वो टॉप 10 की लिस्ट में है तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 10 की, तो वो है भाई मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, जिसकी पूरे भारत देश में 11,220 यूनिट सेल हुई हैं। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओनरशिप रिव्यू के साथ, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो। 9th प्लेस पे आ जाती है भाई लोग ह्युंडई वेन्यू, जिसकी अप्रैल 2021 में पूरे भारत देश में 11,245 यूनिट सेल हुई है, और बेसिकली जो उसका कॉम्पिटिशन है ना वो मैं बोलूंगा सीधा सीधा ब्रेजा से, और ये ब्रेजा से ज्यादा सेल हुई है, इस बात की मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी है। नंबर 8 की बात कर लें तो वो है एक मिनी वैन जो कि है मारुति इको, इसकी पूरे भारत देश में 11,469 यूनिट सेल हुई है। बेसिकली कोई भी इस गाड़ी को फैमिली पर्पस या फैमिली कार नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोग लोड करने के काम ही आती है, मतलब किसी को इधर से उधर छोड़ना हो या स्कूल्स में वैन लगानी हो उसी काम ये गाड़ी आती है, एक फैमिली कार तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर नंबर 7 की बात कर लें तो भाई ये है ह्युंडई ग्रैंड i10, ये है एक प्रीमियम हैचबैक और इसकी पूरे भारत देश में 11,540 यूनिट सेल हुई हैं। इसकी भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे वहां से जाकर भी देख सकते हो। नंबर 6 की बात कर लें तो भाई यहां पे मिल जाती है ह्युंडई की क्रेटा, जो कि है एक एसयूवी जिसकी पूरे भारत देश में 12,463 यूनिट सेल हुई हैं। इस गाड़ी के बोलूं तो लुक बहुत अच्छे हैं भाई पावरफुल गाड़ी, हाँ थोड़ी प्राइसिंग में बोलूंगा थोड़ी ज्यादा है, बट अदरवाइज ये गाड़ी बहुत ज्यादा सही है। अगर आप सोच रहे हो ना एक एसयूवी लेने के बारे में तो क्रेटा को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। अगर आप चाहते हो उसकी डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसकी डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई नंबर 5 की, अब यहां से शुरू होता है पूरा का पूरा भाई मारुति का बोलबाला। टॉप 5 में हमेशा मारुति रही है जितना मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, तो नंबर 5 पे हमें मिल जाती है भाई डिजायर, जिसकी पूरे भारत देश में 14,073 यूनिट सेल हुई है। पर्सनली मैं बताऊं तो भाई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मारुति की डिजायर जो है वो इतनी गाड़ियां सेल हो जाएंगी इसकी, क्योंकि जो नई वाली है ना उसका लुक मुझे खासा पसंद आया नहीं है, बट सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं भाई नंबर 4 की, नन अदर देन भाई बलिनो। बलिनो की पूरे भारत देश में 16,384 यूनिट सेल हुई हैं, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि अब प्रीमियम हैचबैक आपसे बोलोगे और सारी नीड्स फुलफिल करती है, इसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूं क्योंकि भाई मेरे पास खुद बलिनो है। हाँ मैं मानूंगा सेफ्टी फीचर्स नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये गाड़ी सारे सेगमेंट्स में काफी अच्छी है। बाकी अगर इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है। बात कर लेते हैं भाई टॉप 3 कार्स की, तो 3rd नंबर पे आती है भाई ऑल्टो, जिसकी पूरे भारत देश में 17,303 यूनिट सेल हुई है। एक छोटी गाड़ी ये है और एक फैमिली पर्पस के हिसाब से अगर इस गाड़ी को देखा जाए तो ये भी बहुत सही गाड़ी है। हाँ नॉर्मली स्पेस वगैरह कम होती है, बट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि ठीक ठाक प्राइस रेंज में मिल जाती है, और इस प्राइस रेंज में बेसिकली देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग कोई और गाड़ी नहीं आती है। नंबर 2 की बात कर लें तो भाई यहां आ जाती है स्विफ्ट सदाबहार सबका प्यार, क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स हमेशा टॉप पर ही रहती है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर ही हमेशा रहती है, और इतने सालों से इस गाड़ी का जो चलन है ना और लोगों के प्रति इसका प्यार है वो हमेशा से बहुत सही है। अगर इसकी बात कर लें तो स्विफ्ट ने पूरे भारत देश में अप्रैल 2021 में 18,316 यूनिट सेल करी हैं, और ये काफ़ी अच्छा सेल्स फिगर है। बेसिकली मारुति हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ, मारुति का कंपटीशन है नहीं क्योंकि प्राइस ऐसी है और इंडियन मार्केट में थोड़ा प्राइस कैप्चरिंग ज़्यादा है, लोग प्राइस की साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं,
बशर्ते अगर देखा जाए और फीचर्स के तो भाई अब आ चुके हैं हम अपने नंबर वन की साइड। बेसिकली ये गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट कभी नहीं थी, क्योंकि ये है मारुति की वैगनार। ये सीएनजी में हमें अवेलेबल हो जाती है, इसलिए शायद इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है। अप्रैल 2021 में पूरे भारत देश में इसकी 18,656 यूनिट सेल हुई हैं। बेसिकली 5 लाख के ऊपर ऊपर ये गाड़ी आती है, 5 से 7 लाख के बीच में गाड़ी आ जाती है। सीएनजी ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ये गाड़ी एवरेज देती है। नए लुक में थोड़ी सी स्पेस और बढ़ा दी है इस गाड़ी के अंदर, बट पर्सनली मैं बताऊँ ना भाई, मेरे को ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के नाम पर, लुक्स के नाम पर, फीचर्स के नाम पर इस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलता है। बट हाँ, ये गाड़ी है इसलिए शायद इसकी सेल्स इतनी ज़्यादा है और ठीक प्राइस रेंज में आ जाती है, तो ऐसा कुछ अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस गाड़ी को लेकर। आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और भाई ऐसे आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी हम लेकर आएंगे टॉप 10 SUVs जिन्होंने काफ़ी अच्छा सेल्स फिगर मेंटेन किया है अप्रैल 2021 में, और वो गाड़ियाँ भी जल्दी आने वाली हैं जो बिल्कुल भी बिक नहीं पाई हैं 2021 अप्रैल में। और एक जो मुझे अफसोस है इसमें कि वो टाटा की कोई भी गाड़ी इसके अंदर नहीं है। हाँ भाई, टाटा काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है, बट आफ्टर सेल सर्विस की वजह से शायद टाटा की सेल्स इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। बट अगर आप कोई भी गाड़ी लेना चाह रहे हो तो भाई टाटा की साइड ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ और काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और किसी गाड़ी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, मैं ज़रूर ज़रूर उस गाड़ी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी हो तो भाई शेयर कर देना। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।